Hello dear student, welcome you all. Today we will discuss Gauss's law. तो बच्चे Gauss's law is very important. आपने अभी तक पढ़ा क्या? Charge, charge की वजह से field पढ़ा और field की वजह से electric flux पढ़ा. और आज हम flux का concept रहेगा, तभी जाकर के हम Gauss's law का study कर पाएंगे. तो बच्चे आप flux भी already study कर चुके हो. अब हम लोग एक और important point की बात करें कि मैक्सवेल के चार इक्वेशंस है. आगे पढ़ने वाले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में देयर आर फोर इक्वेशंस ऑफ मैक्सवेल, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन इज दैट लॉ इज गॉसेस लॉ, जिसका स्टडी हम लोग यहां पे करने जा रहे हैं. तो चलिए बच्चों, क्या कहता है ये गॉसेस लॉ? गॉसेस लॉ कहता है इट स्टेट दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, जिसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. तो देखिए गॉसेस लॉ क्या कह रहा है बच्चे, कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस है दैट इज थ्री डायमेंशनल, दैट मे बी द स्फीयर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, एक क्यूब हो सकता है, या कोई भी इरेगुलर शेप का एक क्लोज्ड सरफेस थ्री डायमेंशनल है, और इसके थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा दैट फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज which is inside the Gaussian surface, which is inside the closed surface. तो बच्चे यहां पे आप ऐसे देखेंगे कि मान लीजिए कि ये कोई closed surface है, कोई भी shape करें, this is the three dimensional closed surface. इसके अंदर बच्चे कोई charge है Q1, Q2, -Q3, एक charge Q4 है. ये जो एक है वो कैसा surface है बच्चे? That is closed surface. कैसा है बच्चे? ये थ्री डायमेंशनल क्लोज सरफेस है, कहीं से भी ओपन नहीं है बच्चे, हर तरफ से ढका हुआ. तो व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस? इस क्लोज सरफेस को हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं. दैट मे बी ऑफ एनी शेप एंड साइज. तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस क्लोज सरफेस के थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखेंगे दैट विल बी 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस. तो मैथमेटिकली हम लोग गॉसेस लॉ को क्या लिखेंगे हम लोग? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट करेंगे. फ्लक्स क्या होता था बच्चे? ई डॉट डीएस, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर, क्लोज्ड सरफेस है, होल इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज विच इज इन साइड द गॉसियन सरफेस, दैट इज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस. तो इसके अंदर जितना चार्ज है इनक्लोज उसी को लिखेंगे, दैट इज डिवाइडेड बाय ε0, दैट इज दैट गिव्स द नेट फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस. तो बच्चे यहां पे ये सब देख रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस देख रहे हैं Q1, Q2, Q3, इसमें कोई भी सरफेस ले लें हम छोटा सा, इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो ds बाहर की तरफ, इन सब चार्ज के वजह से यहाँ पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वेदर इनसाइड चार्ज और आउटसाइड चार्ज, इन सब के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस ds के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसका होल इंटीग्रेशन करेंगे, जब पूरे का पूरा सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस. दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ गॉसेस लॉ. तो बच्चे यहां पे हम आपको दिखाएं कि अगर इस केस में अगर हम बात करते हैं कि इस केस में नेट फ्लक्स कितना होगा थ्रू द गॉसियन सरफेस, इज इक्वल टू ई डॉट डीएस, इज इक्वल टू, ये जो आपका क्या है बच्चे? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस फिगर के लिए बच्चे. द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस. व्हाट आर द चार्जेस इनसाइड द गॉसियन सरफेस? दैट इज Q1 प्लस Q2, सबका अलजेब्रिक सम करेंगे. और बाहर वाले चार्ज को नहीं लेना बच्चे, मैंने कहा कि कौन सा चार्ज लेना है विच इनक्लोज बाय दैट सरफेस. तो इनक्लोज किया Q1, Q2 और -Q3 डिवाइडेड बाई ε0. तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द फ्लक्स लिंक थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, यू विल राइट हियर ई डॉट डीएस का होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस ओनली Q1, Q2 एंड -Q3 डिवाइडेड बाई ε0. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ. क्या था बच्चे स्टेटमेंट? आपने देखा द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाय गॉसियन सरफेस. द
तो आपने क्या देखा बच्चे कि यहां पे जो E डॉट ds होगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे होगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से, मतलब इनसाइड और आउटसाइड सबके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लीजिए कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ये ER है, तो इस P पॉइंट पे छोटा सा एरिया ds लिया, इन दोनों का डॉट, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा E डॉट ds दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस दैट इज Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉसेस लॉ। चलिए चलते हैं हम लोग, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने गॉसेस लॉ देखा बच्चे कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। तो चलिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है बच्चे, ये बहुत जरूरी है आपको याद रखना। पहला जैसे पॉइंट है, इट इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इज द शेप और साइज। जैसे बच्चे अगर आपने एक गॉसियन सरफेस लिया है, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस मान लीजिए R1 है, द रेडियस इज R1, इसके अंदर चार्ज Q है, इसके थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ, नेट फ्लक्स इज चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आपने इसका शेप बढ़ा दिया बच्चे, अगर आपने इसका रेडियस बढ़ा करके R2 कर दिया और अभी भी इसके अंदर जो चार्ज है वो Q ही चार्ज है, जो यहां चार्ज था वही चार्ज इसके अंदर है, तो अगर आपने इसका साइज बढ़ा दिया, रेडियस R1 से R2 कर दिया, अभी भी बच्चे जो नेट फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आप कोई इरेगुलर शेप ले लीजिए, थ्री डायमेंशन, चारों तरफ से ढका होना चाहिए और चार्ज का अमाउंट सेम है, तो इसके थ्रू भी नेट फ्लक्स क्या होगा, उतना ही होगा। इट मीन्स अगर कोई गॉसियन सरफेस है, वट एवर द शेप एंड साइज, उसके अंदर अगर सेम अमाउंट ऑफ चार्ज अगर आपने रखा है, तो सारे सरफेसेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल एंड दैट इक्वल टू द क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है बच्चे, अगर आप गॉसेस लॉ का इक्वेशन लिखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ जो इक्वेशन लिखते थे आप, ई डॉट डी एस नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस इज चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। If you write, this is the RHS and this is the LHS of Gauss's equation. तो आपको एक example देके समझाता हूं। मान लीजिए एक Gaussian surface है और इसके अंदर charge है आपका Q1, Q2, एक charge बाहर है Q3. अगर आपको net electric flux निकालना है E dot ds, तो इस surface के through अगर net आपको निकालना है electric flux, तो यहां पे छोटा सा area लिया है हमने ds। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए ई डॉट डीएस करना है। यहां पे जो एलएचएस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस चार्ज और इस चार्ज सबके द्वारा होगा। इट मींस यहां पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसमें कंट्रीब्यूशन तीनों चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा, चाहे वो अंदर वाला चार्ज हो या बाहर वाला चार्ज हो। ये जो आप एलएचएस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो देख रहे हैं, इट इज at the surface due to all the charges which is inside as well as outside, but in the RHS the charge enclosed by the Gaussian surface hai, usme hum log sirf inside charge lete hain, aur inside charge kya bache yahan pe Q1 and Q2, is charge ko hum log nahi rakhenge, to aap dekhenge you will write here Q1 plus Q2 upon epsilon naught. तो वही पॉइंट हमने यहां पे लिखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इन द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन ऑफ गॉसेस लॉ द चार्ज क्यू इनसाइड इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल द चार्जेस इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। जो सरफेस चार्ज को इनक्लोज करेगा वही चार्जेस को हम वहां पे ऐड करेंगे। बट इन द लेफ्ट साइड, जो आपको लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच आर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस और क्लोज्ड सरफेस। उसके बाद आप आते हैं सी थर्ड पॉइंट पे आते हैं, डू नॉट लेट गॉसियन सरफेस पासेस थ्रू एनी डिस्क्रीट चार्ज। अगर चार्ज कहीं पे डिस्क्रीट है, फैला हुआ है, तो वहां पे कहा जा रहा है कि गॉसियन सरफेस को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेल डिफाइंड एट दैट लोकेशन ऑफ डिस्क्रीट चार्ज। हाउएवर द गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर कहीं पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वहां पर आप गॉसियन सरफेस ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई रॉड है और इस रॉड पे ये चार्ज कंटिन्यूअस हमने दे दिया यहां पे और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसके वजह से मुझे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, या गॉसियन सरफेस जब हम लेंगे तो ये एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस मुझे मिलेगा।
तो अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहां पे गॉसियन सरफेस हम लोग लेते हैं, लेकिन डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम के केस में गॉसियन सरफेस लेना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा डिस्क्रीट चार्ज के सिस्टम में आप वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए नहीं लेना चाहिए। आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट पे, डी में, इट इज यूजफुल टूवर्ड्स मच इजियर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सिमेट्री, दिस कैन बी अचीव्ड बाय द चॉइस ऑफ गॉसियन सरफेस। अगर गॉसियन सरफेस सिमेट्रिकल हो तो बहुत इजीली आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द गॉसियस लॉ। मान लीजिए अगर कोई चार्ज है क्यू और इस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वी कैन चूज अ गॉसियन सरफेस। अगर हम यहां से आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, अब ये इस चार्ज को इनक्लोज कर दिया, तो ये देखिए ये चार्ज से बराबर दूरी पे है, इसका रेडियस आर है, तो अब जो मेरा ये गॉसियन सरफेस हुआ, ये गॉसियन सरफेस एक सिमेट्रिकल सरफेस हो गया। तो अब इस सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स का जो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग गॉसियस लॉ, ई डॉट डीएस का होल इंटीग्रेशन इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको सॉल्व करके हम इजिली इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं इस पी पॉइंट पे। मेरा ये पॉइंट वही बोल रहा है, इट इज यूजफुल टुवर्ड्स मच इजियर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड व्हेन द सिस्टम हैज सिमेट्री। अगर सिमेट्री हो तो जो गॉसियन सरफेस खींचेंगे उस पर हम इजीली निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। आते हैं हम लोग लास्ट पॉइंट ई पॉइंट पे, इट इज बेस्ड ऑन, मतलब गॉसियस लॉ इज बेस्ड ऑन इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस टेकन इन द कूलम्स लॉ। जैसे कूलम्स लॉ में आपने पढ़ा होगा एफ बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इज एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर, या एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जिसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, उस पर बेस्ड है आपका गॉसियन सरफेस। अगर एनी वायोलेशन ऑफ गॉसियस लॉ इंडिकेट्स डिपार्चर फ्रॉम द इनवर्स स्क्वायर लॉ, अगर किसी तरह का वायोलेशन होता है गॉसियस लॉ का, इसका मतलब वो डिपार्ट करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को, इट मीन्स इट डू नॉट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट मीन्स गॉसियस लॉ जो है वो कूलम्स लॉ पे बेस्ड है एंड दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर गॉसियस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, इट मींस इट वायलेट्स द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो हमने देखा बच्चे, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द गॉसियस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चे आप सारे पॉइंट्स को नोट करेंगे, होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं, चलिए डियर स्टूडेंट हम लोग देखते हैं, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू गिवन कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने आपको बताया गॉसियस लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने दिए हैं और आपसे पूछा हमने कि इस कॉन्फ़िगरेशन में बताना आपको फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस। तो बच्चे पहला जो आपको क्वेश्चन है वो देखिएगा, नंबर वन, एक स्फेयर लिया हमने और स्फेयर के सेंटर पे एक चार्ज रख दिया क्यू, पूछा व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द स्फेयर। इसी तरह से हमने यहाँ पे एक हेमी स्फेयर लिया है, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है और पूछा व्हाट इज द फ्लक्स लिंक थ्रू दिस हेमी स्फेयर। एक सिलेंडर लिया है, उसके सेंटर पे एक चार्ज दिया है और पूछा व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर। और इसी सिलेंडर के एक फेस पे रखा हमने, फेस के सेंटर पे एक चार्ज रखा और पूछा व्हाट इज द फ्लक्स लिंक थ्रू दिस सिलेंडर। यहाँ आ जाइए बच्चे, एक क्यूबिकल क्लोज सरफेस है, इसके सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा और पूछा व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द क्यू। नंबर सिक्स में देखेंगे, हमने आपको फिर इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज रखा और पूछा व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब, किसी एक क्यूब के एक फेस के थ्रू निकालना है। फिर आप देखेंगे बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर सेवन में हमने क्या लिखा है कि एक क्यूब है, इसके फेस के सेंटर पे, फेस सेंटर पे एक चार्ज रखा प्लस क्यू, पूछा व्हाट इज द फ्लक्स नेट फ्लक्स लिंक थ्रू द होल क्यूब। एंड नंबर एट में हमने बोला बच्चे कि एक क्यूब है और उसके वन ऑफ द कॉर्नर पे एक चार्ज क्यू रखा गया और पूछा हमने व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। तो बच्चे आपको क्या करना है, एक बार खुद से बनाइए और फिर आप यहाँ पे देखें इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए बच्चे, आप पॉज करके इसको बना भी सकते हैं और उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया हमने। तो चलिए बच्चों, अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ, गॉसियस लॉ क्या कहता है बच्चे कि अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ द नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, द नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस और गॉसियन सरफेस दैट इज ई डॉट डी एस शुड बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यू नो दैट। तो बच्चे चलिए, ये जो स्फीयर है एक गॉसियन सरफेस है, दिस स्फीयर बिहेव्स लाइक अ गॉसियन सरफेस एंड दिस स्फीयर
जो गॉसियन सरफेस है इसने कितने चार्ज को इंक्लोज किया है, तो यू कैन सी हियर क्यू चार्ज इंक्लोज किया है, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ. तो व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, दिस स्फीयर, दैट विल इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस है और इसने कितने चार्ज को इंक्लोज किया, क्यू चार्ज को, देन द नेट फ्लक्स विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. आइए बच्चे हम लोग इस केस में देखते हैं. दूसरा जो केस है आपका, एक हेमी स्फेरिकल सर्फेस है और हेमी स्फेरिकल सर्फेस के यहां पे देखिएगा सेंटर में एक चार्ज हमने रखा क्यू और पूछा है व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू दिस सर्फेस. तो बच्चे यहां पे देखिएगा ये चार्ज इंक्लोज नहीं है, एक गॉसियन सर्फेस से ढका हुआ नहीं है, क्लोज सर्फेस नहीं है, तो हम इसको क्लोज करेंगे, एक सिमेट्रिकल सर्फेस लेंगे ताकि ये बीच में आ जाए और ये पूरी तरह से ढक जाए. तो हम लोग एक इमेजिनरी सर्फेस लिया हमने, ध्यान से देखेंगे ये इमेजिनरी सरफेस इसको पूरी तरह से ढक दे रहा है. तो ये अब जो एक सरफेस बना, दैट सरफेस इंक्लोजेस दिस चार्ज, ये जो मेरा होगा दैट इज ऑल्सो अ गॉसियन सरफेस, लेकिन ये कैसा होगा मेरा, इमेजिनरी. तो हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लिया एंड दैट इमेजिनरी गॉसियन सरफेस और ये वाला हेमी स्फीयर मिला करके क्या हुआ, ये पूरे चार्ज को ढक दिया. तो आपने क्या देखा बच्चे यहां पे, अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ यहां पे देखेंगे कि नेट फ्लक्स जो होगा, दैट नेट फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल ये गॉसियन सरफेस ले ले, तो आप देख रहे हैं कि नेट फ्लक्स जो होगा, जो कि कितने हेमी स्फीयर के द्वारा बना, एक हेमी स्फीयर ये, एक आपको गॉसियन सरफेस जो बनाया आपने यहां पे माना, तो आपने एक आइडेंटिकल हेमी स्फीयर ऊपर भी ले लिया, इसका मतलब नेट फ्लक्स जो होगा वो टू टाइम्स ऑफ फ्लक्स इंक्लोज बाय हेमी स्फेरिकल सरफेस. तो आपने देखा हेमी स्फेरिकल सरफेस एक नहीं, एक और ये एक, दो दो हेमी स्फेरिकल सरफेस उस पूरे चार्ज को ढका है. देन अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ अगर ये चार्ज पूरी तरह से ढक गया है, देन नेट फ्लक्स बराबर चार्ज इनक्लोज, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. देन व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ वन हेमी स्फेरिकल सरफेस, हेमी स्फेरिकल सरफेस, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन और टू चलाएगा इधर, दैट इज क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. Then what will be the answer of this question? That is Q upon 2 epsilon naught. इसी तरह से बच्चे यहां पे देखेंगे, इस केस में बच्चे आप क्या देख रहे हैं कि सिलेंडर के सेंटर पे चार्ज है, ये आपका गॉसियन सरफेस हो जाएगा और इसने पूरे चार्ज को ढक दिया है. Then according to Gauss law, net flux will be charged inside is Q upon epsilon naught. तो आप इसका आंसर क्या देखेंगे बच्चे, that is Q upon epsilon naught. This cylindrical surface which completely encloses this charge q, that will behave like a Gaussian surface. Gaussian surface may be real or imaginary. अगर imaginary ले रहे हैं तो symmetry का ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे, है ना. यहाँ पे आ जाइए बच्चों, एक cylindrical surface है और इसके एक face पे रखा हुआ है, एक यहाँ पे देख रहे हैं one of the face पे यहाँ पे एक charge q रखा हुआ है, ढक्कन पे q charge रखा हुआ है. आप देख रहे हैं कि ये charge पूरी तरह से enclosed नहीं है, तो हम लोग enclose करने के लिए एक imaginary symmetrical surface लेंगे, दैट इज द गॉसियन सरफेस हो गया. अब ये देखिए एक सिलेंडर ये है, ये दूसरा सिलेंडर है, दो सिलेंडर मिल करके ये पूरे चार्ज को ढक गया, ये चार्ज बीच में आ गया सिमेट्रिकली. तो अब जो गॉसियन सरफेस के थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू द गॉसियस लॉ, इसके थ्रू जो नेट फ्लक्स होगा, तो कह सकते हैं आपको दो सिलेंडर के थ्रू निकालना पड़ा. ये जो फ्लक्स हुआ दैट इज द फ्लक्स थ्रू द टू सिलेंडर, तो दो सिलेंडर मिलकर के उसको पूरी तरह से ढका है. देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. देन व्हाट विल बी द कंट्रीब्यूशन ऑफ वन सिलेंडर, तो वन सिलेंडर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बच्चे, ध्यान से देखिएगा क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. देन व्हाट इज द फ्लक्स लिंक थ्रू वन ऑफ द सिलेंडर, दैट इज क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट. चलिए बच्चे अब आते हैं हम लोग यहां पे, ये क्यूब है और ये क्यूब एक गॉसियन सरफेस है, ये पूरी तरह से चार्ज इनक्लोज्ड है. देन अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ नेट फ्लक्स विल बी चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो इसका आंसर ये हो गया. फिर यहां पे आइए बच्चे, यहां पे क्या पूछा है, क्यूब के सेंटर पे चार्ज है और पूछा गया कि वन फेस के थ्रू कितना होगा फ्लक्स. तो बच्चे बताइए इसमें टोटल फेस कितना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे 1, 2, 3, 4, 5 और एक सामने 1, 2, 3, 4 एंड ये वाला देखेंगे बच्चे, एक आपका ये हो गया 2, 1 ऐसे लिखिए आप 1, 2, 3, 4 एक सामने वाला 5 और इसके जस्ट पीछे वाला 6. तो आप देख रहे हैं कि क्यूब में कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, सिमेट्रिकल है. तो आप कह सकते हैं इसके लिए हम क्या लिखेंगे बच्चे, 6 फेसेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, 6 फेसेस मिलकर के एक क्यूब बनाया है उसके थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सरफेस क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए वन फेज का कितना होगा बच्चे, वन फेज के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, दैट इज क्यू अपॉन, ये सिक्स चला जाएगा इधर, दैट इज क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे वन ऑफ द फेज के थ्रू कितना हो जाएगा क्यू के, दैट इज क्यू अपॉन सिक्स एप्सिलॉन नॉट इज द नेट फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द फेसेस। फिर यहां पे आएंगे बच्चे, देखेंगे हम लोग एक फेस के सेंटर पे रखा गया है तो ये चार्ज यहां पे ढका नहीं है, देन यू नीड अनदर सरफेस, आपको एक दूसरा सरफेस भी चाहिए। एक आप देख रहे हैं कि ये क्यूब जो है इसको ढका नहीं है, इस फेस पे जो चार्ज रखा है इसके फेस के सेंटर पे है, तो मुझे इसको ढकने के लिए एक सिमेट्रिकल एक क्यूब और चाहिए, तो हमने यहां पे एक क्यूब और डाल दिया बच्चे, ध्यान से देखिएगा। अब देखेंगे एक क्यूब जब हम और लाए तो अब ये चार्ज आ गया दोनों क्यूब के सेंटर में, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि दो क्यूब मिलकर के अब इसको पूरी तरह से ढका है, तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ नेट फ्लक्स थ्रू दिस टू क्यूब इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए वन क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना होगा बच्चे, तो वन क्यूब के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू, ये टू चला जाएगा इधर से नीचे जाएगा, दैट इज क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यहां पे बच्चे आंसर कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब आइए बच्चे यहां पे बच्चे क्या है कि एक क्यूब है और इस क्यूब के वन ऑफ द कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज अभी इनक्लोज नहीं है, तो आखिर मुझे कितना क्यूब चाहिए सो डैट ये चार्ज पूरी तरह से ढक जाए, सिमेट्रिकली बीच में सेंटर में आ जाए। तो बच्चे आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप ऐसा फिगर बनाते हैं यहां पे कि अगर हमने यहां पे देखेंगे बच्चे, है ना, कि अगर हमने ऐसा कुछ बनाया, अगर हमने ये लिया, ध्यान से देखेंगे, अगर हमने चार क्यूब लिया, एक क्यूब ये है, एक क्यूब, दो क्यूब, थ्री क्यूब एंड फोर क्यूब, अगर हम चारों क्यूब को सटा दें तो चार्ज तो मेरा यहां पे है, यहां पे चार्ज है क्यू, ये जो चार्ज यहां पे क्यू है, अगर आप चार क्यूब लेंगे तो सब क्यूब का देखिए यहां पे वन, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, चौथा क्यूब, अब देखेंगे नीचे से तो ढक गया चार्ज लेकिन अभी ऊपर से नहीं है, यहां पे चार्ज आपको कॉर्नर पे दिखेगा, तो आपको यू नीड एक्स्ट्रा फोर क्यूब आपको और चाहिए, तो क्या देखेंगे बच्चे आपको चार क्यूब जो है वो और जरूरत पड़ेगी। यू कैन सी हियर हाउ मेनी क्यूब्स आर रिक्वायर्ड, तो आप कहेंगे चार क्यूब नीचे से लगा है और चार क्यूब ऊपर से लगा, तो ये सिमेट्रिकली कहां आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, तो इस चार्ज को सेंटर में लाने के लिए हाउ मच क्यूब इज रिक्वायर्ड, तो आप कहेंगे एट क्यूब्स आर रिक्वायर्ड, तो आप देखेंगे ये वन टू थ्री हो गया एंड यू कैन ले फोर फाइव सिक्स एंड फोर फाइव सिक्स फोर है यहाँ पे बच्चे फाइव सिक्स सेवन एंड एट, तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे एट क्यूब्स के थ्रू जो फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पूरा का पूरे चार्ज को ढक लिया, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ नेट चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ वन ऑफ द क्यूब, वन क्यूब के थ्रू कितना मिलेगा बच्चे फ्लक्स, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे हमने इस सारे क्वेश्चन से क्या सीखा कि अगर कोई भी चार्ज किसी सरफेस के अंदर इनक्लोज है तो नेट फ्लक्स जो होगा दैट चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आपने देखा यहाँ पे कुछ चार्जेज जो है वो इनक्लोज नहीं थे, तो हमने सिमेट्री का अप्लाई किया और एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लिया सो दैट ये चार्ज पूरी तरह से ढक जाए, सेंटर पे आ जाए, और उसके बाद हम उसका नेट फ्लक्स निकाल लिया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर उसके बाद जितना पूछा गया उससे हमने निकाल लिया यहाँ पे लाइक दिस। इसको ढकने के लिए दो हेमीस्फीयर चाहिए इसलिए एक हेमीस्फीयर पे कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, सिलेंडर के एक फेस पे था इसको ढकने के लिए एक दूसरा सिलेंडर लिया, दो सिलेंडर की वजह से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक सिलेंडर की वजह से निकाल लिया। इसी तरह से आप देखेंगे हर तरह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन का एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, एक क्यूब है जिसका साइड ए दिया हुआ है, दिस इज द क्यूब और इस क्यूब का साइड ए है, इससे एक इनफाइनाइटली लॉन्ग एक रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पे दैट इज लेमडा गिवन है। पूछा गया व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड थ्रू दिस क्यूब, इस क्यूब के थ्रू व्हाट इज द नेट फ्लक्स लिंक्ड थ्रू दिस क्यूब। दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चे वो देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टेन, एक स्फेरिकल सरफेस है इससे एक इनफाइनाइटली कहिए एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का एक शीट अलोंग द डायमीटर गुजर रहा है। पूछा व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड थ्रू नेट फ्लक्स लिंक्ड थ्रू स्फेयर,
इस स्फीयर के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बच्चे देखिए, एक सिलेंडर के बीच में एक चार्ज क्यू रख दिया। इफ द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज फाइ नॉट, देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ द लीड। अगर कर्व सरफेस के थ्रू फ्लक्स फाइ नॉट है तो बताइए एक लीड एक ढक्कन के थ्रू कितना फ्लक्स होगा वो निकालना। आते हैं 12 नंबर पे। आप यहां पे देखेंगे कि एक स्फेयर स्फेरिकल शेल है और एक रिंग है। रिंग आपका यूनिफॉर्मली चार्ज है, दोनों का रेडियस क्या है आपका सेम है। और देखेंगे यहां पे कि स्फेयर का जो स्फेरिकल शेल है उसके सेंटर से ये रिंग का जो है सर्कमफेरेंस टच कर रहा है। इसी तरह से इस रिंग के सेंटर से स्फेरिकल सेल का सर्कमफेरेंस टच कर रहा है। तो पूछा है कि व्हाट इज द फ्लक्स लिंक थ्रू स्फेरिकल शेल। तो बच्चे इन क्वेश्चंस को बनाना है यूजिंग द गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ क्या कहता है बच्चे, द नेट फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं 9 नंबर को। 9 नंबर में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ द नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चे ये बताइए इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा। रॉड तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, पास कर गया, तो इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज होगा। तो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चे क्या दिया हुआ है, लेमडा दिया हुआ है। तो लेमडा जो है आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ है। तो इसके अंदर जो चार्ज है वो क्यू इनसाइड, और यहां से यहां जब रॉड को पास कराएंगे क्यूब के यहां सेंटर से तो आप देखेंगे कितना लंबाई क्यूब के अंदर आएगा। तो आप कह सकते हैं कि जितना साइड होगा, इधर से घुसाया इधर से निकला तो साइड कितना इसका ए, तो इसका लेंथ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दैट इज क्यू इनसाइड बाय एल। तो कहेंगे चार्ज इनसाइड क्यू और लेंथ जो होगा दैट इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। देन व्हाट इज द क्यू इनसाइड, देन यू विल गेट क्यू इनसाइड, इनसाइड क्यू इज इक्वल टू लेमडा इनटू ए। तो व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द क्यूब, दैट इज लेमडा इनटू ए। देन यूज द गॉसेस लॉ अगेन। गॉसेस लॉ क्या कहता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड कितना है बच्चे, लेमडा इनटू ए। देन आवर आंसर इज लेमडा इनटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन व्हाट विल बी द फ्लक्स लिंक थ्रू दिस क्यूब इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से बच्चे आते हैं यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। यहां पे ये जो एक शीट है उसके डायमीटर के अलॉन्ग हमने पास कराया, तो स्फेरिकल शेल के अंदर से ये पास किया, तो ये जो हमने जो शीट दिया वो शीट का कितना एरिया इस स्फेरिकल शेल के अंदर आ रहा होगा। तो बच्चे अगर हम ये शेल का देखें, अगर आप शेल को थ्री डायमेंशनली देखेंगे तो कुछ ऐसे होगा, थ्री डायमेंशनली देखेंगे तो ऐसा होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो शेल का ये वाला पोर्शन ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो आपने जो शीट गुजारा तो वो जो चार्ज लेकर के शीट गया वो अलोंग द डायमीटर गया है, तो वो कितना एरिया इस स्फेरिकल शेल के अंदर से पास किया होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये शीट तो आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट जो आर पार करा है यहां से, तो कितना उस शीट का एरिया इस स्फेरिकल सरफेस के अंदर आया। तो आप जब कट करेंगे, जैसे आप एप्पल को कट करते हैं तो कट करेंगे तो ये वाला जो एरिया देखेंगे तो चार्ज जो शीट होगा वो इसी एरिया में कवर करेगा। देन यू कैन सी अगर ये रेडियस आर है तो कितने एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दैट इज पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया। तो व्हाट इज द चार्ज इनसाइड, अगर आप ये ले लेंगे ये तो बस ये सरफेस है, ये देखिए अंदर से जाएगा इतना। देन व्हाट इज द चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल शेल, देन यू कैन से क्यू इनसाइड, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द शीट इनसाइड द स्फेरिकल शेल, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू आर स्क्वायर। Then what will be the value of charge inside the spherical shell? That is sigma into pi into r square. Then according to Gauss's law, अब हम according to Gauss's law क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। According to Gauss's law, net flux through the Gaussian surface, ये देखिए closed surface है, इसके अंदर से
नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा दैट इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल शेल? दैट इज सिग्मा इनटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द आंसर इन दिस केस. उसके बाद आइए बच्चे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना. इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर एक चार्ज क्यू रखा गया है. इफ द फ्लक्स थ्रू द कर्व सर्फेस ऑफ सिलेंडर इज फाइ नॉट. ये जो दिया है, ये जो आपका कर्व सर्फेस है, इसमें देखेंगे कितना सर्फेस है. एक ये वाला है कर्व सर्फेस, इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो दिया हुआ फाइ नॉट. और ये वाला जो सर्फेस है, ये वाला जो लीड है, इसके थ्रू फ्लक्स मान लीजिए दैट इज फाइ लीड. इसके थ्रू जो फ्लक्स है उसको भी आप मान लीजिए फाइ लीड ढक्कन के थ्रू. Then what is the net flux through the whole surface? तो हम यहां पर देखेंगे बच्चे, according to Gauss's law, net flux through the Gaussian surface, अगर total surface मिला लें, तब मिला करके दो lead, दो ढक्कन के through flux और एक curved surface के through जो flux होगा, सारा मिला लेंगे तो वो net flux हो जाएगा. और उसके अंदर में आपका charge क्यू है. तो नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब इस नेट फ्लक्स में क्या आ जाएगा वो देखिएगा बच्चे, दो फ्लक्स, एक फाइलिड ये दो जो होगा फ्लक्स थ्रू द लीड ढक्कन के थ्रू होगा और एक फ्लक्स लिखेंगे थ्रू द कर्व सरफेस. और आप क्या देखोगे, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो बच्चे यहां पर क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा, तो दो लीड के थ्रू और कर्व सरफेस के थ्रू जो दिया हुआ बच्चे वो क्या दिया हुआ फाइ नॉट, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो ढक्कन के थ्रू कितना होगा बच्चे वो देखिएगा, लीड के थ्रू, ये जो टू लीड को रहने दीजिए यहां पे टू फाइ लीड, इसको ले जाइए उधर, देन इट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस फाइ नॉट. तो बच्चे व्हाट यू विल गेट, वन ढक्कन के थ्रू कितना होगा वन लीड, एक फेस के थ्रू कितना होगा दैट यू कैन से दिस इज 1/2. Then what you will get here, the net flux through the lead is equal to how much? That is half. आप देखेंगे इसके through कितना आया बच्चे, net flux is equal to half q upon epsilon naught minus phi naught. This is the flux link through one of the lead. अब आइए बच्चे इस question पे आते हैं, है ना. चलिए यहां पे एक spherical shell है और ये एक ring है, दोनों के सेंटर से दोनों का सर्कमफेरेंस टच कर रहा है और इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है. और आपसे पूछा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल शेल. तो बच्चे ये बताइए, नेट फ्लक्स निकालना है. तो अकॉर्डिंग टू गॉसेज लॉ यहां पे जो नेट फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल शेल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ये चार्ज किसके अंदर लेना है, स्फेरिकल शेल के अंदर लेना है. स्फेरिकल शेल के अंदर कितना चार्ज होगा अगर वो पता चल जाए आपको, तो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट मुझे इसके थ्रू नेट फ्लक्स निकल जाएगा. तो बच्चे ध्यान से देखेंगे, इस रिंग का कितना पोर्शन स्फेरिकल शेल के अंदर है वो अगर निकल जाए, पूरे रिंग पे चार्ज हमारा कितना है, क्यू है. तो स्फेरिकल शेल के अंदर जो है, बस यहां से यहां देखिए, स्फेरिकल शेल के अंदर चार्ज का कितना पोर्शन है वो निकालना है. तो आप एक काम करें बच्चे, इसके सेंटर से यहां मिला दे, इसका जो सर्कमफेरेंस है यहां मिलाएंगे, ये इसका रेडियस होगा r, यहां भी मिला दीजिए जहां पर टच कर रहा है, ये भी क्या होगा r. और ध्यान से देखेंगे बच्चे, इसके सेंटर से अगर इसको मिलाएंगे तो ये भी कितना होगा r, और इसके सेंटर से यहां जो टच किया इसको भी मिलाइए r. और बच्चे ध्यान से देखिएगा, इसके सेंटर से इसके सर्कमफेरेंस, स्फेरिकल शेल के सर्कमफेरेंस इसको मिलाइए तो ये भी r होगा. तो आप क्या देख रहे हैं बच्चे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है. अगर आप इसके इस रिंग का सेंटर से अगर यहां मिलाइएगा तो वो भी आर होगा. तो ये आर, ये आर, ये आर, आप देख रहे हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और इस ट्रायंगल में भी आर 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 साइड है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री. तो आप क्या देख रहे हैं बच्चे, रिंग का कितना एंगल स्फेरिकल शेल के अंदर है. तो आप देख रहे हैं पूरे रिंग का 120 डिग्री एंगल कहां है, इन साइड द स्फेरिकल शेल. तो आप देख रहे हैं, चूंकि पूरा का पूरा रिंग जो कि 360 डिग्री एंगल बना रहा है, तो पूरा का पूरा रिंग जो कि 360 डिग्री एंगल बना रहा है उस पे अगर चार्ज q हो, इसलिए यूनिट डिग्री पे कितना होगा बच्चे, q बाई 360 डिग्री. इसलिए अगर हम आपसे पूछते हैं
ये बताइए 120 डिग्री पे कितना होगा, तो 120 डिग्री में कितना चार्ज होगा, q by 360 डिग्री इनटू 120 डिग्री, यू विल सी हियर दैट इज q by 3। तो आप देखते हैं कि दिस इज द चार्ज इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल के अंदर जो होगा इस रिंग के टोटल चार्ज का q by 3 चार्ज ही स्फेरिकल शेल के अंदर होगा। तो यू कैन यूज द गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ क्या कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस थ्री डाइमेंशनल क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से यहां जो चार्ज आया वो कितना है बच्चे, क्यू बाई थ्री। तो यू कैन राइट हियर क्यू बाई थ्री डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, वॉट यू विल गेट q by 3 epsilon naught। तो इस केस का आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, नेट फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल शेल विल बी q upon 3 epsilon naught। होप आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस लॉ के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया आपको अब हो चुका है कि हाउ वी कैलकुलेट द फ्लक्स बाय यूजिंग द गॉसेस लॉ। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि हाउ वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। थैंक यू वेरी मच।